बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 ऑफ सेकंड ईयर, दैट इज ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। अब चूंकि रिवीजन सेशन चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको ब्रीफली करेंगे, बहुत डिटेल से नहीं करेंगे। मैंने पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट किए हैं और हम ईच एंड एवरी वर्ड नहीं पढ़ेंगे, मेन मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, ताकि आपकी एक रिवीजन हो जाए कि उस साथ में जो है हम इस लेसन को भी कवर कर लेंगे। सो इट सेज इन द पेपर दैट ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम्स हैव बीन प्रेजेंटेड टू द ट्रूप्स बाय द पब्लिक। अब जो स्टोरी इसमें ये है कि अखबार में खबर आई कि तकरीबन जो है ओवर 2 मिलियन किताबों का जो बहुत बड़ा जखीरा जो है वो पब्लिक ने फौज को भेजा, फौज जो के बहाज को लड़ रही है उसको उन्होंने भेजा है। सो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट देम, किताबें उन्होंने कैसी कैसी भेजेंगी और अखबार में क्या लिखा गया। मैगजीन्स 20 ईयर्स ओल्ड, 20-20 साल पुरानी मैगजीन्स थे। गाइड्स द लेक डिस्ट्रिक्ट, कुछ गाइड्स थी लेक डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कि आपने तक फ्री के लिए जाना होता है तो वहां पे गाइड्स बनाते हैं ताकि जो है आप उन इलाकों को विजिट कर सके। एंड बैक नंबर ऑफ वेटिकल्स एल्मनेक, कुछ पुरानी जंतरियां होती हैं जो कि बिल्कुल साल खत्म होने के बाद जाया हो जाती हैं, वो उन्होंने भेजी। ठीक है, और फिर पहला जो आइडिया आता है दैट दे गेट इनटू द पार्सल बाय एक्सीडेंट, कि शायद वो इत्तेफाक, वो राइटर कहता है कि लोगों ने ज्यादातर जो है उनको एक मौका मिल गया, दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग रिड ऑफ बुक्स, इस तरह की फजूल बेकार किताबें जो उनके पास जमा हो गई थी, क्यूमुलेट हो गई थी, दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दोस बुक्स। और वो कहते हैं ज्यादातर किताबें होती किन के घरों में है, स्पेशली नॉन बुकिश पीपल, जो पढ़ना पढ़ना किसी को इंटरेस्ट ही ना होता उनकी किताबें, उनके घरों में किताबें ज्यादा होती है, आर वेरी रिलक्टेंट टू थ्रो अवे एनीथिंग दैट लुक्स लाइक अ बुक। जो पढ़ने वाले नहीं होते वो कहते हैं कोई भी तहरीर नुमा कोई चीज है वो फेंकना नहीं चाहते। उसकी वजह से क्या होता है, किताबें शेल्फों में भरती चली जाती हैं और फिर उसके बाद कोई जगह नहीं रहती। सो वो कहता है ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनकी डिस्ट्रक्शन क्यों जरूरी है। डिस्ट्रक्शन नॉट मेयरली मेक्स मोर रूम फॉर न्यू बुक्स बट सेव्स वंस हियर्स द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग आउट द रबिश और स्टोरिंग इट। अब जो है इनको तल्फ करने का एक फायदा ये होता है कि एक तो नई किताबों के लिए जगह बन जाती है, मोर रूम जगह बन जाती है, और दूसरी चीज जो होती है जो वारिस होते हैं, जो अगली जनरेशन होती है जिन्होंने ये संभालना होता है, उन वो एक सॉर्ट करने छांटने की तकलीफ से और ये रविश किस्म की चीजें निकालने की तकलीफ से बच जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आपको कहते हैं कि एक दफा उसके साथ भी ऐसा हुआ, इट्स not an easy to get rid of the books, और अपनी ही उसने example दी है कि वो एक बहुत बुलंद वाला किस्म की apartment में रहता था, बहुत 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 ज्यादा मंजिला ऊंची आवार की होती है, तो वहां पे वो heaven kissing यानी top floor पे तकरीबन रहता था। और वहां पे हुआ क्या, उसका के साथ क्या हुआ, बुक्स ऑफ इंफीरियर माइनर वर्ड्स जनरली एक्युमुलेटेड देयर अंटिल एट लास्ट आई वाज फेस्ड विद अल्टरनेटिव ऑफ आइदर इविक्टिंग द बुक्स और एल्स लीविंग देम इन सोल अनडिस्टर्ब्ड इन एमसी एंड टेकिंग रूम एल्सवेयर फॉर माई सेल्फ। उसने कहा कि इतनी किताबें इकट्ठी हो गई और कौन सी थी, इंफीरियर टाइप की थी, और ज्यादातर जो थी वो पोइट्री की बुक्स थी। अब इतनी ज्यादा हो गई और जारी बात है अपार्टमेंट फ्लैट छोटा होता है, तो कहता मेरे पास तो जगह ही नहीं बची, या तो मैं रहता या किताबें रहती। तो फिर अब क्या था, अब उसने कहा और तो कोई नहीं लाया था, मैं ही यहाँ पे लाया था, और दैट्स व्हाई उसने कुछ प्लान किया कि मैं उनको क्या करूँ। अब उस जारी बात है वहां पे तो इस तरह नहीं होता, हमारे जैसे चूल्हे जला लेते हैं, सो ही कुड नॉट डू दैट थिंग। वो किताबें बड़ी बड़ी होती है, उनको बंद खोले बगैर भी नहीं किया जा सकता था, जलाया जा सकता, ना उसके पास कोई गैस कुकर था। सो उसने क्या सोचा कि जिस तरह लोग जो है बिल्लियों को फेंक देते हैं पानी में जाके थैलों में डाल के, तो उसने सोचा कि मैं भी किताबों के लिए ऐसे ही करता हूँ। तो उसने क्या किया, आई इम्प्रोवाइज्ड अ सैक, उसने एक सैक बनाया, ये नहीं था उसके पास कोई थैला था, वो इम्प्रोवाइज किया, उसने बड़ा सारा बोरा बनाया, उसमें क्या किया उसने किताबें भर ली और फिर रात में निकल आया। मिड नाइट,
तकरीबन नियरली मिडनाइट 12 बजे के करीब आई स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट और वो अपनी गली में निकल पड़ा। और फिर उसके बाद वो वहां पे गया, कहाँ पे था? ऑन द वे होम अक्रॉस द ब्रिज ऑफ पेट्रिसी, ये जो है ब्रिज, वहां पे ये पहुंचा, समुन्द्र के किनारे की तरफ निकल पड़ा। अभी वो चल ही रहा था तो उसने क्या महसूस किया, अ फ्यू डोर्स डाउन आई पास्ड अ पुलिस मैन हु वॉज फ्लैशिंग हिज लैंटर्न ऑन द कैचेस ऑफ बेसमेंट विंडोज। अब अभी चंद कदम ही गया था, चंद अभी डोर से गुजरा था तो उसने देखा पुलिस मैन जो है वो लैंटर्न से या अपनी फ्लैश लाइट से जो है वो, जरी बात रात में वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो वो चेक कर रहा था। सो इस एकदम डर गया ये, आई फैंसीड ही लुक सस्पिशियस। अब उसे एकदम डर गया, उसे लगा कि उसे शायद मुझ पे शक हो गया है। फिर लेकिन उसने अपने आप को बचा लिया, उसने कहा अगर मुझसे कोई इन्वेस्टिगेशन भी हो जाती है, आई कुड बियर इन्वेस्टिगेशन, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोई बंदा तो किताबें नहीं ना चुरा सकता। अलबत्ता वो कहता न्यू एडिशन की थी, लेकिन उसका ये ख्याल है कि इस तरह की किताबें नहीं चुराई जा सकती। दैट्स वाई ही वॉज लाइक कंफर्टेबल, ही वॉज नॉट वराइड एट ऑल। सो वो पुलिसमैन तो चला गया, गुजर गया। ही क्विटेड मी, क्विट होता है बरी करना, उसने मुझे छोड़ दिया। अपरेंटली एंड विद अ स्टेप दैट मेकिंग एन एफर्ट आई प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग मोर रैपिड, आई वॉक ऑन अंटिल आई रीच द एनवायरमेंट। अब चलता गया चलता गया, बड़ी तेज तेज पहले चल रहा था, अब चूंकि उस वो रिलैक्स था कि मुझे कुछ कोई नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि किताबें को हम चुरा सकते हैं और कुछ ऐसी चीज नहीं, उस पे शक नहीं किया जा सकता। सो वो चलता गया और वहां पे पहुंच गया। जब एम्बार्कमेंट पे पहुंच गया, किनारे पे, आई लीन्ड अगेंस्ट द पैरापेट, मुंडेर पे लटका जी। फिर उसके बाद अब लटका देख ही रहा था तो आई स्प्रैंग बैक, फिर एकदम झटके से वो पीछे हट रहा। क्यों? द पेडिस, उसने आवाज सुनी कि कोई उसके पास से गुजर रहा है। द पेडिस्ट्रियन केम बाय मी विदाउट लुकिंग एट मी, इट वॉज ट्रैम। वो पेडिस्ट्रियन होता है पैदल चलने वाला, पैदल चलने वाला आया और मेरे पास मुझे देखे बगैर ही गुजर गया। वो कौन था? ट्रैम। ट्रैम कौन होते हैं? जो कि पैडलर होते हैं, जो कि जिनका अपना कोई जगह घर नहीं होता और वो जगह जगह मूव करके रहती हैं। सो उसने फिर कहा आई थॉट जस्ट बट जस्ट आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट माई बुक अपॉन आई हर्ड अनदर स्टेप। अब उसने फिर दोबारा से इरादा किया अपनी किताबें फेंकने का, एकदम उसे किताब जो है कदमों की आवाज सुनाई दी। और इस समय कैसी आवाज थी? मेयर्ड वन, बड़ा कोई जैसे कोई चेज करता हुआ आ रहा होता है, नपे तुले अंदाज में कदम उठा रहा होता है। और फिर उसके बाद जो होता है, द नेक्स्ट थॉट केम लाइक अ ब्लेज ऑफ टेरिबल ब्लू लाइटनिंग अक्रॉस माई ब्रेन, कहते एकदम जैसे बिजली चमकती ना मेरे जहन में ख्याल आया। मैं वो थैला बैग स्ट्रैप तो फेंक दूंगा, तो वो स्प्लैश, वो जो आवाज आएगी उसका मैं क्या करूंगा? तो अब वो डर गया। अब आईज नीचे आ जाते हैं, आई स्ट्रेड अप एंड डाउन, इंक्रीजिंगली फियरफुल ऑफ बींग वॉश्ड, समिंग अप माई करेज टू टेक द प्लंज एंड कोइलिंग फ्रॉम इट एट लास्ट। अब उसने कहा कि अगर, अब पीछे उसको क्या क्या ख्याल आ रहे थे कि अगर किसी को आवाज आ गई, पुलिस मुझे पकड़ लेगी, मेरे पास इन्वेस्टिगेशन होगी, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, द काइंड ऑफ थिंग। और फिर उसके बाद जो है, कौन मेरी बातों पे एतबार करेगा, ये सारे उसके जो है एप्रीहेंशन उसके जहन में आते हैं। फिर वो उसी में चक्कर लगा रहा है। और फिर उसके बाद अपने आप को खुद ही से वो जो है बुरा भला कहता है, और अपने आप को जो है थोड़ा इनकरेज करने के लिए, और अपने आप को डांटता है। क्या कहते हैं जी अपने आप को, देखते हैं। What I thought under the resolute mask that you show your friends is they really a shrinking and contemptible coward, कहते हैं कि ये तो तुम अपने आप को बड़ा, अपने आप को पूरा अजम किस्म का और बड़ा अपने आप को बहादुर किस्म का इंसान लोगों के सामने, दोस्तों के सामने बताते हो, और खुद तुम क्या हो, यू आर ए कावर्ड, तुम तो बड़े बुजदिल हो। इफ यू फॉल नाउ यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन, अगर अब तुम नाकाम हो गए ना तो अब तुम अपना सर उठाने के काबिल नहीं हो। एनी हाउ वट इफ यू आर हैंग फॉर इट, क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा फांसी हो जाएगी। गुड गॉड यू वॉन्ट बेटर मैन देन टू हैव गॉन टू गैलोस, इस तरह के बंदा होने से बेहतर है तुम्हें फांसी लगा दी जाए। विद द करेज ऑफ डेस्पियर आई टुक हीव, कहते हैं वही मायूसी के आलम में मैंने एक आह भरी। द सैक ड्रॉप शियर, उसी दम
करके वो गिराया जो थैला बनाया हुआ था, अवास्ट स्प्लैश, बहुत जोर सी आवाज आई पानी में गिरने की। द साइलेंस फेल अगेन, खामोशी तारी हो गई फिर, नो वन के कोई ना आया। आई टर्न्ड होम एंड एज आई वॉक्ड, मैं घर वापस गया, आई थॉट अ लिटल सैड ऑफ ऑल द दोज बुक्स फेलिंग इन टू द कोल्ड टॉरेंट। अब उसने जाते हुए सोचा, उसे दुख भी हुआ कि इतनी अच्छी किताबें और बेचारी जो है अब पानी में गिरी पड़ी हैं। हॉरिबल बैड बुक्स, बुरी किताबें बड़ी हॉरिबल होती हैं, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम, पुअर इनोसेंट बुक्स, और कुछ बड़ी मासूम सी भी होती हैं। यू आर लाइंग देयर स्टिल, अब वो सोच रहे हैं उन किताबों को और थोड़ा सैड फील कर रहा है कि अभी भी बेचारी वहीं पड़ी होंगी। कवर्ड परहैप्स, हो सकता है अभी उनके कवर भी हों। और फिर उसके बाद जो है वो किताबों के नाम है, ऑड टू डायना, सोनेट टू इथल, ड्रामाज ऑफ लव, ऑफ लैंसलॉट, ये सारी किताबें हैं, किताबों के नाम हैं जो कि सब के सब पानी में पड़ी हुई हैं। यू लाई देयर इन अ लिविंग डेथ, कहते तुम्हें तो जिंदा दरकोर कर दिया। ही फील सैड फॉर देम एंड योर फेट इज परहैप्स वर्स देन यू डिजर्व, अब वो कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत जो है वो तुम ये डिजर्व नहीं करती थी जो कि बहुत बुरा तुम लोगों के साथ हुआ है। सो समटाइम्स इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ सम बुक्स विच आर एक्यूमुलेटेड इन द होम, और समटाइम्स वाकई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप उनको उनसे निजात हासिल करना चाहते हैं बट यू कैन नॉट, यू आर हेल्पलेस। सो देर आर सम क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश पीपल, पब्लिक ने कैसे सोल्जर्स को दिए थे, मैंने ये सारे बताए, 20 ईयर्स ओल्ड लेक डिस्ट्रिक्ट की बुक्स थी, एल्मेनाक डिक्शनरीज थी, सॉरी डायरेक्टरीज थी, ये जिसने उन्हें भेजी। और वॉज इट इंटरेस्ट ऑफ सोल्जर्स दैट प्रॉम्प्टेड देयर एक्शन, नो। व्हाट शुड बैड बुक्स, व्हाई बैड शुड बी डिस्ट्रॉयड, बिकॉज इट सेव्स अ पर्सन्स हेयर फ्रॉम सॉर्टिंग एंड स्टोरिंग एंड ऑल दैट थिंग्स। व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं। हाउ डिड ही डिसाइड टू गेट रिड ऑफ देम, ही इम्प्रोवाइज द सैक एंड ऑल दैट, वो वाला लिखेंगे आपने। डिस्क्राइब द ऑथर्स मिडनाइट एडवेंचर, वो जो रात में गया था उसमें जो एडवेंचर उसने किया मिडनाइट में वो आप बताएंगे। एंड हाउ डिड ही मस्टर अप करेज एट लास्ट टू फ्लिंग देम, और किस तरह हौसला इकट्ठा किया, ही जस्ट रिब्यूक्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को उसने डांटा डपटा और फिर उसके बाद उसने जो है वो फेंका था। और फिर उसके बाद डिड ही कम come to have a feeling for the books, yes he had bad feeling for them, he felt sad for them, ये आपने बताना है। 9 questions है, ये आपने prepare करने हैं, इसके अलावा आपने इसका objective भी तैयार करना है। okay जी, thank you very much।